अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे और अब संगत की तरफ से जो प्रश्न जो विचार आए हैं उनको आप सुने। हमारे लाल साहब हैं, बड़ा ही विचित्र सा प्रश्न है उनका, आप भी सुनिए। गुरु महाराज ग्रंथों में वह समय समय पर आपके माध्यम से यह उद्धृत हुआ है कि पुरुष तपस्वी की तपस्या किसी नारी पात्र ने आकर के विघ्न कर दी, भंग कर दी। क्या इतिहास में ऐसा भी उपलब्ध है कि किसी साध्वी जो ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थी और किसी पुरुष के आने से उसकी तपस्या में विघ्न डाला हो और वह इस कार्य में सफल हो गया हो? बिल्कुल, इतिहास साक्षी है। एक तपस्विनी थी साध्वी वेदवती, वो तपस्या में निमग्न थी पर्वत श्रृंखलाओं में, और वहां दुराचारी रावण पहुंच गया। रावण ने उस साध्वी के तप को बलपूर्वक भंग कर दिया और अगले जन्म में वो ही वेदवती सीता के रूप में अपना बदला लेने के लिए प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त बुद्ध साहित्य में एक जगह पर आता है, एक साध्वी बनखंड में बौद्ध दीक्षा लेकर के निर्वाण प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। उसके रिश्ते का मुमेरा भाई वहां पहुंच गया, जिसके कारण उसकी तपस्या में विघ्न पड़ गया, तपस्या नष्ट भ्रष्ट हो गई और उस जन्म में वो मोक्ष प्राप्त करने से वंचित रह गई। इसके अतिरिक्त नेमिनाथ नाम के तीर्थंकर हुए, नेमिनाथ, उनका विवाह मथुरा में होने जा रहा था। राजीमती नाम की कन्या से और बारात जब नगर में प्रविष्ट हुई तो नेमिनाथ ने क्या देखा, एक तरफ को जानवर बंधे हुए हैं, धूप में बंधे हुए प्यास से व्याकुल हैं। उनके मन में बड़ी करुणा पैदा हुई, उन्होंने पूछा इन पशुओं का मालिक कौन है, धूप में इनको क्यों बांधा हुआ है, इनको छाया में क्यों नहीं बांधते, कुछ चारा और जल आदि क्यों नहीं पिलाते? किसी ने बताया, अरे महाराज ये थोड़ी देर दाना पानी खा भी लेंगे तो इनका कौन सा भला हो जाएगा जानवरों का, ये तो आपके विवाह के उत्सव में इनको काटा जाएगा बरातियों के भोजन के लिए। कहा ऐसा? बोले बिल्कुल, ये इतने जानवर इसीलिए यहां बंधे हुए हैं कि ये बरातियों के भोजन में काट काट के इनको पकाया जाएगा। उन्होंने कहा हाथी रोको,
उनके मन में बड़ा वैराग पैदा हुआ, मेरे कारण से मेरे विवाह में इतने पशु मारे जाएंगे, मुझको धिक्कार है। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, मालाएं जो पड़ी हुई थी, दूल्हा बने हुए थे, वो उतार दी। जो साथ में दूसरे लोग थे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कृष्ण महाराज के चचेरे भाई थे, कृष्ण महाराज आगे पीछे होंगे, उनको कहा अरे देखो तो क्या हो रहा है। बोले क्या है कि वो नेमी नाथ तो क्या कर रहा है, पूछो चलो। वो विवाह को मना कर रहा है, उसने तो अपना हाथी पीछे को मुड़वा लिया। हाथी से उतरे, कृष्ण महाराज ने बहुत समझाया, भाई क्या कर रहे हो, देखो नाक कट जाएगी। बोले नाक का कटना ठीक है, ये सैकड़ों जानवर कटेंगे, मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगा। मैं आज से ही प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विवाह करूंगा ही नहीं, और मैं तो मुनिचर्या का पालन करूंगा, मुनि बन जाऊंगा। जहां खुशियों के बाजे बज रहे थे, मातम फैल गया। राजमहल में सूचना पहुंची, देवी राजीमती, जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा था वो नवयुवक तो मुनि बनने जा रहा है, सन्यासी बनने जा रहा है, तू क्या करेगी अब। कहा मैं भी महल में रहते हुए तपस्या करूंगी। मैंने हृदय से उनको अपना पति स्वीकार कर लिया है, सारा संसार देख रहा था कि वो मेरा पति बनके और मुझसे विवाह करने आ रहा था, अब मैं किसी दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी। उधर नेमिनाथ तपस्या करने गिरनार पर्वत पे चले गए गुजरात में, और वो मथुरा में अपने महल में ही तपस्नियों का भेष बनाए हुए और तपस्या में साधना में लग गई मोक्ष पाने के लिए। नेमिनाथ का भाई, छोटा भाई, बारात में वो आया था, उसने राजीमती को देखा था और उसी क्षण से उस पर आसक्त हो गया। बहुत समझाया, मेरे भाई साधु हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, मुनि हो गए हैं, तो क्या हुआ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। कई बार वो आया, प्रस्ताव भेजा, और हर बार राजीमती ने उसको कटु शब्द कह के वापस कर दिया। एक बार फिर आया तो राजीमती ने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है। बोले क्या, उसने पीने का कोई पदार्थ मंगवाया, राजीमती ने पी गई और फिर उसको उल्टी करके उसी बर्तन में दे दिया, कहा लो ये पी लो। बोले ये क्यों पी लो, इसको तो कुत्ते भी नहीं पीने के, कि तुम्हारे भाई ने मुझको कै उल्टी की तरह त्याग दिया और तू नालायक है कि इसको पीने को तैयार है, तू तो कुत्ते से भी गिरा हुआ है। इतनी फटकार खा के वो चला गया और वो भी मुनि बन गया, लेकिन उसके मन में उसी का सौंदर्य, उसी की चाहत बनी रही राजीमती की। और राजीमती को पता चला कि मेरा पति जो है वो गढ़ गिरनार में तप कर रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए वहां गई, और उसी पर्वत पे दूर का पता नहीं, मैं वहां जाऊंगी तो वो गुस्सा करें, क्या करें, फटकारें। दूर उसी पर्वत पे दूसरी तरफ कुछ अपनी दासियों को लेके साधना करने लगी, तपस्या करने लगी। नेमिनाथ के भाई को पता चला कि वो राजीमती यहां आ गई है,
तो वो फिर पीछे पीछे वहां आ गया। बारिश हो रही थी और राजीमती देवी भीग गई थी और वो अपने कपड़े सुखा रही थी एक गुफा में, और उन्हें मालूम नहीं था कि यहां वो नेमिनाथ का भाई अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने देखा, अरे तुम यहां? एकदम से उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए, कहा, पुरुष होते हुए तुमको धिक्कार है, इस हाड़ मांस के शरीर पर तुम्हारी इतनी आसक्ति? इतनी तुम्हारी अनुरक्ति अगर परमात्मा में होती तो अब तक तुम्हारा मोक्ष हो गया होता। हे दुर्बुद्धि, इस बात का पता नेमिनाथ को भी चला कि वो जो मथुरा की तुम्हारी पत्नी थी, हुई नहीं थी, होने वाली थी, वो तपस्विनी का भेष धारण करके और यहां इसी पर्वत पर तप कर रही है और तुम्हारा भाई उसके मोह में पड़ा हुआ है। नेमिनाथ वहां पर आए, उन्होंने अपने भाई को समझाया, मेरे भाई तुमने मुनि जैसा ये भेष बना रखा है और एक स्त्री जिसका मैंने त्याग कर दिया तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। तुम उस सनातन तत्व का चिंतन करो। इस प्रकार राजीमती का तो तप खंडित होते होते बच गया, किंतु ये घटना उनके साथ भी घटित हुई। एक और दृष्टांत आप सुने, द्रौपदी अपने पिछले जन्म में कैलाश मानसरोवर में ब्रह्मचारिणी के नाम से शिव के आश्रम में रहती थी और बड़ा अहंकार उसको अपने जप तप व्रत का था। जगत जननी पार्वती को भी वो नमस्कार नहीं करती थी, वो कहती थी तुम तो घर गृहस्थी हो, हम ब्रह्मचारिणी हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हें प्रणाम करें या तुम हमें करोगे, ऐसा वो कह दुर्बुद्धि। उसने ये नहीं सोचा ये तुम्हारी गुरु माता है, शिव गुरु हैं तो ये गुरु माता है, जगत जननी है, देवी है, आदि शक्ति है। पार्वती ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बार 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 अपमान करती रही अपमान करती रही, तो एक दिन क्रोध में आके देवी पार्वती ने उसको श्राप दे दिया, जा तेरे पांच पांच पति होंगे। ये सुन के रोती हुई मंदाकिनी नदी के किनारे बैठी थी, दुख में आंखों से आंसू गिरते थे और वे आंसू कमल पुष्प बन के बह रहे थे। स्वर्ग की तरफ को वो नदी जाती थी और वहां देवगण विचरण कर रहे थे, पांच देवता घूम रहे थे, इंद्र, धर्मराज, वायु देवता और दो अश्वनी कुमार। उन्होंने वो पुष्प देखे, सुनहरे स्वर्ण पुष्प, अरे ऐसे फूल तो हमने देखे नहीं, ये कहां से आ रहे हैं? इंद्र ने कहा, अरे वायु देवता जरा जल्दी से जाओ देखो कहां से आ रहे हैं, और देखा वो बैठी है वहां ब्रह्मचारिणी एक शिला पर जल के बीच में और उसके आंसू गिर रहे हैं और वो फूल बन रहे हैं। वो तो उस पे आसक्त हो गया और वहीं बैठ गया, दूसरा गया, तीसरा गया, फिर खुद इंद्र गए, पांचों वहीं बैठ गए। कहा, हे देवी हम तुम्हारे रूप सौंदर्य पर आसक्त हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। उसने सोचा, हे भगवान ये तो
जगदम्बा पार्वती ने कहा था अगले जन्म में तेरे पांच पति होंगे, ये तो इसी जन्म में पीछे पड़ गए, अब क्या करूं। उन्होंने कहा चलो मेरे पिता हैं, गुरु हैं, वहां चलो। पांचों को ले गई, शिव से कहा ये देखो ये देवताओं का हाल है। शिव ने उनको एक गुफा में कैद करा दिया, बरसों तक वहां कैद पड़े रहे। फिर पूछा कुछ तुम्हारी बुद्धि ठीक हुई? कहा नहीं प्रभु, हम तो इसी से विवाह चाहते। कहा तो जाओ, ये भी पृथ्वी पर जन्म लेगी और तुम भी पृथ्वी पर जन्म लोगे, तुम पांडव बनोगे और ये द्रौपदी बनेगी। तो आप देखिए यहां स्त्री के तप में ये विघ्न पड़ा। स्त्री हो या पुरुष, कामनाएं शाश्वत हैं, विघ्न बाधाएं अनंत हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, आकर्षण और विकर्षण का नियम सब जगह कार्य करता रहता है। आकर्षण के सिद्धांत पर ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र इस अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं और हम मनुष्यों का मूलाधार ही आकर्षण है। माता और पिता के आकर्षण सूत्र से हमारा जन्म होता है, इसलिए इस आसक्ति से पार होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। असंभव तो नहीं है किंतु शाश्वत जरूर है। वो कभी फूलों की तरफ आकर्षित होता है, कभी पक्षियों की तरफ। बचपन में अपनी माँ को लिपटा रहता है, माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, रोता है माँ मेरी माँ, माँ कहाँ गई, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। और जब बड़ा हो जाता है, जब कोई अप्सरा उसके सामने आ जाती, विवाह हो जाता है, फिर माँ को छोड़ देता उसके, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। आकर्षण, ये ईश्वर ने ऐसा आकर्षण बनाया, लेकिन इसी के साथ मोक्ष का मार्ग भी परमात्मा ने रखा है। ये नहीं कि एक व्यक्ति, एक जीवात्मा पशु की तरह रस्से से युगों युगान तक बंधा ही रहे। ये कामनाएं, ये भोग आसक्ति रस्से की तरह है, जंजीर की तरह है, किसी ना किसी जन्म में तो इस रस्से को खोलना ही पड़ेगा। किसी ना किसी वक्त मनुष्य को ये संसार निरर्थक प्रतीत होना ही होना है, वैराग्य आत्मा में जागना ही जागना है। सब कुछ बेकार है, ये बात कभी ना कभी, आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, कोई किसी का नहीं, मैंने छान लिया संसार, तीन लोक तलक तेरा कोई नहीं रोवणहार। तीन लोक में कोई भी हमारी बात पूछने वाला नहीं, तो कोई ना कोई तो होगा, वो है परमात्मा। उसकी तरफ जब ये हमारा जीवात्मा चलना प्रारंभ होता है, तो इसके लिए शांति के द्वार, प्रकाश के द्वार खुलते हैं। वो है संन्यास का मार्ग, वो है त्याग और तपस्या का मार्ग, वो है सत्य, परम सत्य, मोक्ष और निर्वाण का मार्ग। ईशावास्य नाम का उपनिषद है, उसके विषय में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय है, उसमें लगभग 17 या 18 मंत्र हैं, उसी के नाम पर इस उपनिषद का नाम
ईशावास्य उपनिषद है। उपनिषद की परिभाषा क्या है? वह ईश्वरीय ज्ञान जो गुरु के मुख से हमको प्राप्त होता है जब हम वैराग्य को धारण करके ईश्वरीय ज्ञान की कामना से गुरु के चरणों में पहुंचते हैं। तब शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, ये जगत मुझको दुख स्वरूप दिखाई पड़ता है। माता पिता भाई संसार के जितने संबंध हैं मुझे सब दुख रूप दिखाई पड़ते हैं। सब कुछ असत्य है। कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुराने वक्त में बड़े बड़े राजा महाराजा तपस्वी यहां तक कि ऋषि मुनि और जो प्राचीन काल में देवता थे अवतार हुए इस धरती पर वे भी आज कहीं दिखाई नहीं देते। बड़े बड़े धर्मात्मा बड़े बड़े दानी पराक्रमी जिनके यश का सूर्य कभी इस पृथ्वी पर छुपता ही नहीं था अस्त नहीं होता था, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट वे भी संसार में ना रहे। शिष्य गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, जब सब कुछ असत्य है नष्ट हो रहा है सारा संसार काल और मृत्यु के मुख में जा रहा है ऐसे में ये हृदय कैसे धैर्य को धारण करे? इस असत्य संसार में फिर सत्य क्या है गुरुदेव? वो आप हमें बताएं जिससे इस आत्मा में शांति को हम प्राप्त कर सकें। तब गुरु उपदेश करते हैं। इन मंत्रों के ऋषि हैं दीर्घतमा। दीर्घतमा ऋषि हैं। आत्मा देवता है यानी आत्मा के विषय में ये मंत्र कहे गए हैं। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता माग्रद कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये सारा संसार उस परमात्मा परम ब्रह्म की अमृत छाया से ढका हुआ है, या ऐसे भी समझ सकते हैं ये जो कुछ दिखता है ये सब कुछ उस परमात्मा का ही रूप है। ये वृक्ष, ये वन वनस्पति, ये पक्षी, ये परंद, ये जल, जल में विचरण करने वाले जीव जंतु, ये मनुष्य, ये देवता, ये सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है, खल्लुम इदं ब्रह्म, ये सब कुछ उस अविनाशी परमात्मा का ही रूप है। इसको ब्रह्म कहा गया है, इसी को साकार ब्रह्म कहा गया है। जो कुछ भी देखने में, छूने में, अनुभव में जो आ रहा है ये सब ब्रह्म है। परमात्मा का ये स्थूल शरीर है और जो नहीं देख रहा है, जो प्रकाश है, ध्वनि है, आदि शब्द है, ओंकार रूप है, आत्मा में जो ध्वनि हो रही है, सांसों में जो धुनकार उठ रही है, जो
इस जगत का मूल आधार है, जड़ है, वो निराकार। इन स्थूल नेत्रों से हम उसको नहीं देख पाते। हां, साधना करके, अपने शरीर को स्थिर करके आसन पर, ये आंखें जो संसार को देख रही हैं, इन पे पर्दा डाल के, आंखों को बंद करके, अपनी अंतरात्मा में जब हम देखने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करते ही हमारे सामने घोर अंधकार होता है, और उस अंधकार में अज्ञात सा भय महसूस होता है कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं। किंतु ये अंधकार की गुफा में हमारी यात्रा है। इस गुफा में जैसे 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 हम आगे बढ़ते हैं, तरह तरह के अनुभव हमें होते हैं, तरह तरह की आवाजें हमें आती हैं, तरह तरह की सूरतें हमें दिखाई पड़ती हैं। तीन प्रकार के गण हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण, देवगण। इस तरह की सूरतें, ऋषि गण, ऐसी सूरतें हमको दिखाई पड़ती हैं, अनुभव में आती हैं, और आगे और आगे और आगे चलते 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 इस गुफा के अंत में सुनहरा प्रकाश है। वो प्रकाश उस परम ब्रह्म परमात्मा का है। उस प्रकाश का स्पर्श होते ही हमारी आत्मा सुनहरी हो जाती है। जो वो है, वो ही ये जीवात्मा बन जाती है। उसी के प्रकाश को, उसी के अमृत को, उसी की महानता को ये आत्मा ग्रहण कर लेती है। उसी जैसा इसका स्वरूप हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाह। बीच का पर्दा उठ गया, अब उसके सिवा कुछ ना है। वो ही वो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, एक तू सच्चा, एक तू सच्चा। ऐसा अनुभव में आने लगता है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्। ऐसी अवस्था में एक साधक इस सृष्टि के कण कण में उस परम ब्रह्म की ज्योति का दर्शन करने लगता है। ये ज्ञान अवस्था, दर्शन अवस्था स्वयं में ही उस सनातन ब्रह्म की स्थिति साधक के भीतर प्रकट हो जाती है, पैदा हो जाती है। जैसे पृथ्वी से बीज अंधकार से बाहर मुंह निकालता है तो उसको सूरज का प्रकाश, शीतल हवाएं और ये विचित्र संसार देखने को मिलता है। ऐसे ही अज्ञान से निकली हुई हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म के भिन्न भिन्न अलग अलग अनेक अनेक रूपों को देखती है, अचरज से भरी रहती है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्। फिर अपने अनुभव से वो देखने लगता है, जिधर भी देखता है उसी परमात्मा का प्रकाश, उसी की ज्योति, उसी का चमत्कार हर एक मनुष्य में। उसकी दृष्टि से अंधकार समाप्त हो जाता है। वो किसी में अच्छा बुरा नहीं देखता, कुत्ते में, ब्राह्मण में, हाथी में, चांडाल में, देवता में, मनुष्य में, सब में एक ही प्रकाश का धागा उसको दिखाई देता है।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सब में तेरा नूर समाया। ये साधना की प्रथम अवस्था प्राप्त होती है। अपने भीतर भी वही रोशनी, सबके भीतर वही रोशनी, और उन रोशनियों पर चिमनी की तरह ये शरीर रखे हुए हैं। जैसे कंडील, आप देखें कंडील, दिवाली में कंडील हम लोग जलाते हैं, कोई नीले रंग का, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई कई कई रंग के कंडील होते हैं। ऐसे ही ये चित्र विचित्र, जैसे हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा स्वभाव, भिन्न भिन्न तरह के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग स्वभाव के लोग, किंतु इन कंडीलों के भीतर रोशनी सब में एक जैसी है, एक जैसी है, एक जैसी है। इसी बात को हमारे ऋषि कह रहे हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्। उस परमात्मा के प्रकाश को मैंने हरेक शरीर के कंडील में देख लिया है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, सब में तेरी ही रोशनी है, तेरा ही नूर है, तेरा ही जलवा है। यत किंच जगत्याम जगत, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में उसी की आवाज गूंजती है, उसी की रोशनी की झिलमिलाहट होती है। इस जगत के कण कण में हे प्रभु, मैं तुझको ही प्रकाशमान हुआ देखता हूं। तेन त्यक्तेन भंजिथा माग्रद कस्य स्विद्धनम्। इस संसार में रहते हुए जब तुमको ये पता चल गया कि कंडील की जो ये पन्नियां हैं ये अलग हैं और इनमें जलती हुई ज्योति अलग है, तब तुम इसके भ्रम में मत पड़ो, अपने मन को मोहित मत होने दो, इस जगत में आसक्त ना बनो, आसक्त मत होना। एक सन्यासी जैसे जगत को त्याग देता है, संसार को त्याग देता है, और वो विशेष नियमों को धारण कर लेता है। वस्तुओं के त्याग को त्याग नहीं कहा जाता। मैंने बैंगन खाना छोड़ दिया है, मैंने पराठे खाने छोड़ दिए हैं, ये कोई छोड़ना नहीं होता। क्रोध ना छोड़ा, मोह ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ा, किसी का धन पड़ा देखा तो वहां आसक्त हो गए। इस आसक्ति के त्याग को ही त्याग कहा जाता है। ये वस्तुएं, ये धन किसी को उड़ के नहीं पकड़ते। तुम जा रहे हो और रास्ते में 100 का नोट पड़ा है तो वो उड़ के तुम्हारे माथे पे नहीं चिपक जाएगा कि बस अब मैं तेरे साथ रहूंगा। नहीं, तुम ही झुकोगे और उठाओगे और जेब में गपच। शराब पीने वाले कहते हैं गुरु महाराज हमसे तो छूटते नहीं। क्यों छूटते, क्यों नहीं? तुमने उसे पकड़ा है या उसने तुम्हें पकड़ रखा है? हैं? बुराई, व्यसन, बीड़ी, गुरु महाराज बीड़ी नहीं छूटते। क्यों? माथे पे चिपक रही क्या बीड़ी? बीड़ी तुमने जेब में रख रखी, मौका देख के अपना पी लो। वस्तुओं का त्याग, बुराइयों का त्याग, कोई क्रोध में आके कहे अपने मित्र को जा मैंने तेरा त्याग कर दिया, ये कोई त्याग है? पत्नी से नाराज हो गए तो बस ले चल, आज से तेरा मेरा वास्ता खत्म, इसी को बड़ा भारी त्याग समझ रहे।
मन की जो आसक्ति है, जो बुराई है, उसके त्याग को त्याग कहा जाता है। संसार के व्यक्ति, संसार की वस्तुएं, ये सब परमात्मा की हैं। सब कुछ, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सब उस परम पुरुष परमात्मा ने बनाया है। इनमें एक भी वस्तु हमारी नहीं है, एक भी वस्तु हमारी नहीं है। और न मृत्यु के बाद हमारे साथ ही कुछ जाता है। ऐसा जब हमने समझ लिया, जब इसमें कुछ हमारा है ही नहीं, तो इसमें हमें त्याग का अधिकार किसने दे दिया? मन आत्मा जब शांत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, एक साधक जब अपनी साधना में संलग्न हो जाता है और वो सोचता है मैं आज सुबह से शाम तक मुझको जल नहीं पीना, साधना में हूं, तो उसके मन में शांति पैदा होती है। और आपका कोई व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, और कहीं ऐसी जगह फंस गए सुबह से शाम तक पानी की बूंद नहीं मिली, हर क्षण दुखी होते रहोगे, हाय आज तो पानी की बूंद भी मुंह में नहीं गई, अन्न का दाना भी मुंह में नहीं गया। तो संन्यास, संन्यास का अर्थ होता है उस परम ब्रह्म परमात्मा में निश्चल हो जाना। निश्चल, एक टक हमारी बुद्धि, हमारा मन उसमें लग जाए। वस्तुओं के त्याग से कोई त्यागी पुरुष नहीं बनता। जब तक हम अपने मन की आसक्ति का त्याग ना करें, हमारे भीतर जो क्रोध के बादल उठ रहे हैं, लोभ के बादल उठ रहे हैं, उनका त्याग जब तक ना हो। इस लोभ के विषय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की एक कहानी, एक दृष्टांत आप सुने। एक बार विक्रमादित्य अपने राजमहल में बैठे हुए थे, उनकी पत्नी थी चित्रलेखा। उस रानी को चित्र बनाने का शौक था, चित्रकला में पारंगत थी। विक्रमादित्य को सामने बैठाया और उसको देख देख के चित्र बना रही है। कहा, महाराज आप हिलो डुलो मत, आपका मन कहीं और है, आप थोड़ी देर के लिए भी मेरे पास नहीं बैठ सकते। कहा, महारानी मेरा मन अपनी प्रजा के लिए व्याकुल रहता है, व्यथित रहता है, हर समय मुझे लगता रहता है कि मुझको कोई पुकार रहा है, मेरे राज्य में कोई दुखी है। रानी ने कहा, कोई भी दुखी नहीं, सब ठीक है। कि नहीं, मुझे कुछ लग रहा है। राजा तुरंत उठकर खिड़की के पास गया, रानी से कहा, देखो तुम्हें दूर पंछियों का कलरव सुनाई नहीं देता? बोले, ये तो पंछी बोल रहे हैं, पंछी तो बोलेंगे, ये पंछी परेशान नहीं है महाराज, ये तो वनों में रहते हैं, उड़ते हैं, बोलते हैं। विक्रमादित्य को पंछियों की भाषा आती थी। उसने ध्यान से देखा, ओहो ऐसा लग रहा है जैसे पंछी बहुत दुखी हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। मुझे जाना होगा। एकदम वहां से उठे और महल से उतरे, घोड़ा खोला,
घोड़े पे सवार हुए और उस दिशा में चल दिए जहां वे पंछी बोल रहे थे। एक बहुत बड़ा सा वृक्ष था बरगद का और उस पर बहुत से पक्षी बैठे हुए कलरव कर रहे थे। बड़े ध्यान से विक्रमादित्य उन पक्षियों की बातें सुनने लगे और उनसे पक्षियों की भाषा में कहा, पक्षी भाइयों, आपको क्या परेशानी है, मुझे बताइए। आप भी मेरे राज्य में ही निवास करते हैं, आपका जो भी दुख होगा मैं उसको दूर करूंगा। 10-12 पक्षी उतर के नीचे आए और उन्होंने ऋषि मुनियों जैसा भेष बना लिया। ऋषि मुनियों के शरीर में वे पक्षी परिवर्तित हो गए, बड़े दुखी, आंखों से अश्रुधारा बह रही है ऋषियों की। विक्रमादित्य ने कहा, हे ऋषियों, मेरे राज्य में रहते हुए आप लोगों को क्या कष्ट है, ये बताइए। कहा, महाराज क्या बताएं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, छोटे छोटे राजा आपके राज्य में सम्मिलित हैं, ऋतध्वज नाम का राजा 2 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो ऐसा राजा है, बहुत कष्ट उठा करके वो सोना चांदी कहीं से उपलब्ध करता है, लाता है और ऋषि मुनियों को, संत जनों को दान करता है। हे राजा, दान करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, राजा के पास बहुत धन होता है, लेकिन वो उसने अपने हाथों पैरों से कमाया हुआ नहीं होता, वो प्रजा का धन होता है। उस धन को दान करने का कोई भी अधिकार राजा को नहीं होता। जो राजा अपने हाथों पैरों से अन्न कमाता है, मेहनत पसीने से, और वो उस अन्न का दान करे तो वो उसका दान माना जाता है। कोई राजा अपना जीवन खर्च चलाने के लिए कुछ उद्योग करता है, कुछ धन उसके हाथ में आता है और उसमें से वो दान करता है तो वो उसका वास्तविक दान माना जाता है। ऋतध्वज ऐसे ही महान राजा हैं। ऐसा सात्विक दान इस पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ है विक्रमादित्य, और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह अति कष्ट उठा करके स्वर्ण लोक से हमारे लिए धन लेके आता है, स्वर्ण लाता है। पिछले जन्म में, पिछले 2-3 जन्मों में वो सूदखोर व्यक्ति था, लोगों का धन गिरवी रखता था और मार लेता था, बेईमान आदमी था। इस जन्म में वो अपना बदला उतार रहा है और वो चाहता है कि पिछले उस पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाए, किंतु 2 दिन उसके जीवन में शेष हैं और अभी उसको मुक्ति भी नहीं मिली है, इसलिए हम दुखी हैं। हे राजा, तुम कोई उपाय कर सकते हो तो करो। उस राजा ऋतध्वज के प्राण तुम बचा सको तो बचाओ। और राजा वहां से चला
वे ऋषि मुनि फिर से पक्षियों के रूप में उड़कर वृक्ष पर बैठ गए। विक्रमादित्य रित ध्वज राजा के छोटे से राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुआ। लोगों से पूछा, उसके पास इतना धन कहां से आता है, इतना स्वर्ण कहां से आता है? किसी ने बताया, महाराज मुझे मालूम है, इधर नदी के किनारे एक खंडहर है, खंडहर में एक धूना बलता रहता है, अग्नि का धूना, वह स्वर्णलोक की देवी का धूना है। जब भी वो पूर्णिमा के दिन जाता है वहां, उसको बहुत यातनाएं देनी पड़ती हैं। देवी की गणिकाएं सेविकाएं उस पर हंटर बजाती हैं, क्योंकि वो सोना लाता है, स्वर्ण लाता है, तो स्वर्ण की कीमत भी उसको अदा करनी पड़ती है। और आज भी पूर्णिमा है और वो वहीं पर गया हुआ है, और अब उसके शरीर में जान भी बाकी नहीं है। वो उन यक्षिणियों की यातना के सहन करने के योग्य भी नहीं रह गया है। हो सकता है वो वहां से लौट ही ना सके और वहीं आज उसका प्राणांत हो जाए। राजा शीघ्रता से उधर गया और देखा दो देवियां यक्षिणी, देवी की दो सेविकाएं उसको हंटरों से मार रही हैं। वे उस स्वर्ण की कीमत वसूल कर रही हैं। विक्रमादित्य ने कहा, ठहरो, इसको मत मारो, इसके बदले में तुम मुझको यातनाएं दो। किंतु वे अंतर ध्यान हो गए और वहां पे वो धूना, अग्नि का धूना बना हुआ था, आग जल रही थी। विक्रमादित्य ने सोचा, ये जो धूना है ये अग्नि मार्ग ही स्वर्ण लोक को जाता है और मुझे उस धन की देवी के पास जाना पड़ेगा। साहस करके उसने उस अग्नि में छलांग लगा दी, हवन कुंड में, और राजा नीचे पाताल लोक में पहुंच गया। वहां एक दूसरी ही दुनिया में वो पहुंचा। चलते 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 बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए एक ऐसी गुफा में उसने प्रवेश किया जहां से रोशनी आ रही थी, और देखा उस गुफा के भीतर सोना ही सोना है, सोना ही सोना। जैसे वो आगे बढ़ा, एक राक्षस वहां प्रकट हुआ और राजा को रोकने लगा, लेकिन अपने पराक्रम से उसने उस राक्षस को खंड खंड कर दिया। तब उस राक्षस की जगह एक देवता प्रकट हुआ, कहा, महाराजा विक्रमादित्य, आपका स्वागत है इस स्वर्ण लोक में, आइए, आपने मुझ पहरेदार को पराजित कर दिया है, आप वीर हो, साहसी हो, धैर्यवान हो, आइए, मैं आपको यक्षराज धन के देवता के पास ले चलता हूं। और वहां जाके क्या देखा, बहुत से व्यक्ति जंजीरों में बंधे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, गुलाम बने हुए हैं।
राजा ने पूछा, ये लोग कौन हैं? कहा, ये लालची लोग हैं, लोभ ने इनकी ये दशा कर दी। और राजा, तुम भी तो यहां स्वर्ण लेने आए हो उस राजा के लिए। कहा, मैं अपने लिए नहीं, एक व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए वो स्वर्ण चाहता हूं, जिससे वो पूर्णिमा में उसका दान कर सके, उसका मोक्ष हो जाए। मैं स्वयं अपने लिए लेने नहीं आया। और वो देवता उसको चलते चलते आगे ले गया, जहां धनाध्यक्ष, धन का देवता बैठा हुआ था। कहा, आइए उज्जैन नरेश, आपका स्वागत है, और यहां अब आप भी मेरे गुलाम बन के रहेंगे। मेरी शर्त है कि जो भी यहां स्वर्ण लेने आता है वो मेरे रथ को खींचता है और उस पे मैं हंटर बजाता हूं। उसका जितना रक्त बहता है उतनी ही मात्रा में मैं उसको स्वर्ण प्रदान करता हूं। राजा ने मन मन में सोचा, हे ईश्वर, मैं तो लोभी लालची व्यक्ति नहीं हूं, किंतु फिर भी जैसी तेरी इच्छा। रथ को खींचने के लिए जैसे ही विक्रमादित्य ने हाथ लगाए, उस रथ में आग लग गई। धन का देवता एकदम से घबरा गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये आज ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? उसने शोर मचाया, विक्रमादित्य मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये अग्नि मुझको भस्म कर देगी। विक्रमादित्य ने उसका हाथ पकड़ के खींचा, इधर लाके खड़ा कर दिया। ये क्या, ये अग्नि कैसे? आकाशवाणी हुई, हे धनपति धनेश, आज तक जितने लोग तुम्हारे यहां आए हैं ये सब लोभ लालच के पाप से भरे हुए हैं। विक्रमादित्य पहला व्यक्ति है जिसने लोभ लालच का त्याग किया, अपने प्राणों का भी त्याग करने को तैयार है दूसरे के प्राण बचाने के लिए। तुम इसको ऐसा मत समझो जैसे अब तक तुम्हारे यहां दूसरे लोग आए हैं। ये देवताओं का पुत्र है, इंद्र का पौत्र है, ये इंद्र का पुत्र गंधर्व सेन और गंधर्व सेन का पुत्र ये विक्रमादित्य, ये आधा मनुष्य और आधा देवता है। ये दूसरे साधारण मनुष्यों जैसा नहीं, इसकी माता मनुष्य और इसका पिता इंद्र का पुत्र है, देवता। धन के देवता ने कहा, तुम्हें यहां से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा राजन, वहां कई रास्ते और पार करने पड़ेंगे। हमारे स्वर्ण लोक का आधार वो अमृत स्वर्ण पोटली है, उसको तुम्हें प्राप्त करना होगा। फिर राजा आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, जंगलों को पार करता हुआ एक ऐसी जगह वो पहुंचा जहां बहुत बड़ा झरना गिर रहा था और आगे रास्ता बंद था। विक्रमादित्य ने सोचा, यहां तो मार्ग ही नहीं है, यहां तो रास्ता बंद है। उसे ध्यान आया,
ऋषियों ने कहा था जहां रास्ता दिखाई ना दे, जहां लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, ठीक वहीं तुमको रास्ता मिलेगा। वीर पुरुष बंद रास्तों से ही आगे रास्ता बनाते हैं। और विक्रमादित्य ने एक छलांग लगाई और झरने में प्रवेश कर गया और देखा दूसरी दुनिया में वो पहुंच गया। वहां सोने का ही मैदान, मैदान सोने की भूमि, स्वर्ण भूमि। एक सूखा सा पेड़ है स्वर्ण का, सोने का। पत्ती है, ना फूल है ना फल है उस पे, केवल एक स्वर्ण पोटली उस पे लटकी हुई है और उसमें से प्रकाश निकल रहा है। जैसे राजा उसकी तरफ को बढ़ा, नीचे से जमीन फट गई, नीचे जाने लगा, गिरने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, किसी तरह से वहां से बाहर निकला। जैसे ही उस स्वर्ण पोटली को उसने वहां से उतारा, वहां की रक्षिणी देवी प्रकट हुई। ठहरो, मैं स्वर्णलोक की स्वामिनी, तुम इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर तुम वचन दो कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे। कहा, हे देवी, मैं एक पत्नी व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति हूं। मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं दूसरा कोई विवाह नहीं करूंगा जीवन भर। हे राजा, देख लो, या तो तुम सब कुछ छोड़कर मुझसे विवाह कर लो, तब तुम इस स्वर्ण पोटली को ले जा सकते हो और उसके प्राण बचा सकते हो। अन्यथा, अन्यथा क्या, अन्यथा इसके बदले में तुम अपना शीश उतार के इस वृक्ष पे टांग दो। बोले, मुझे मंजूर है, किंतु तुम मुझसे एक वचन करो। ये स्वर्ण पोटली लेकर तुम राजा ऋतध्वज के निकट जाओगी और उसके मस्तक से लगाओगी, जिससे उसके प्राण वापस आ जाएंगे। अब तक उसके प्राण शरीर से निकल गए होंगे देवी। बोले, ठीक है, मैं वचन देती हूं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काटने को तैयार हुआ। उस देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारे धर्म की परीक्षा। ऐसा त्याग करने वाला पुरुष, ऐसा धैर्यवान पुरुष, जिसने लोभ लालच वासना कामना सबका त्याग कर दिया है, हे राजा, ऐसे ही व्यक्ति को अमृत पुरुष, देव पुरुष कहा जाता है। लो, मैं उपहार में ये पोटली तुमको देती हूं। इससे तुम अपने राज्य को स्वर्ण से मढ़ सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, देवी, मुझको स्वर्ण नहीं चाहिए, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य लोक में रहता हूं, मनुष्यों की ही तरह रहना चाहता हूं। मैं केवल राजा ऋतध्वज के प्राणों की रक्षा करने के पश्चात ये पोटली यहीं पर आपको वापस अवश्य दे के जाऊंगा। ये मेरा वचन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका स्वर्ण लोक और उसकी प्रतिष्ठा मेरे कारण से नष्ट हो जाए। तो राजा उस स्वर्ण पोटली को लेके वापस वहां गए जहां वो बेहोश पड़ा हुआ था राजा ऋतध्वज,
उसके मस्तक पे उस पोटली को लगाया और राजा के शरीर में ऊर्जा और प्राणों का संचार हुआ। वो उठकर बैठ गए। कहा, लो राजा, जितना धन तुमको चाहिए इसमें से ले लो, दान करो और अब तुम्हारा उद्धार और तुम्हारा मोक्ष होना इस जन्म में निश्चित हो गया है और ये पोटली मुझे वापस उसी देवी को लौटानी है। वो पोटली उन्होंने लौटा दी, उसको लेकर के घोड़े पे बैठा के उसके राज्य में छोड़ा। फिर अपने राजमहल में उज्जैन में वो पहुंचे। तो त्याग ये मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस संसार में ऐसे रहो जैसे सन्यासी, वो लोभ लालच का त्याग कर देता है, दुर्वासनाओं का त्याग कर देता है, मां ग्रधह, दूसरे के धन का लालच मत करो, दूसरों के मोह में मत पड़ो, भोग वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को, चरित्र को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालती हैं। इनसे सावधान रहो, मां ग्रधह, लोभ ना करो। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक ईश्वर को अपने साथ रखते हुए इन वस्तुओं का थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो, थोड़ा, जैसे समुद्र में से या बड़े नदी में से कोई पक्षी जरा सा पानी अपने जरूरत के लिए बस उतना ही ग्रहण करता है, उससे अधिक नहीं। त्याग पूर्वक इस संसार में रहते हुए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उस प्रभु की दी हुई वस्तुओं का उपभोग करो। मां ग्रध, लालच में ना पड़ना, मोह में ना पड़ना, लोभ में ना पड़ना, त्याग भावना को अपने हृदय में रखना। मां ग्रध, कस्य स्वित धनम, ये धन, ये संसार, ये वैभव, ये राज्य किसका है? किसी का नहीं, केवल उस ईश्वर का है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।